सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो वीवो के डिवाइसेस में नोटिफिकेशन पैनल को कैसे चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीवो के डिवाइसेस में नोटिफिकेशन पैनल को चेंज कर सकते हो, जो कि जो 100% वर्किंग रहेगा। क्योंकि काफी सारे लोगों की जो है कॉमेंट्स मेरे पास आती है कि भाई जो नोटिफिकेशन पैनल है वो वर्क नहीं कर रहा है, बीच बीच में बंद हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम काफी सारे लोगों को देखने को मिलती है। उसका रीजन मैं नहीं, आप खुद होते हैं, क्योंकि वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह रहती है उसमें, उसे आप मिस कर देते हो, जिसके कारण जो आपको जो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसी गलती मत किया करो, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, जिससे जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई हमें इस तरीके से जो है इसको अप्लाई करना है। क्योंकि हर चीज का जो यूज करने का सेटअप रहता है वो सारा कुछ अलग रहता है, तो बस वही चीज आपको जाननी रहती है। दरअसल मैंने काफी बार देखा है कि आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं जो ज्यादातर थीम्स की वीडियोस भी अपलोड करता हूँ वीवो फोन से रिलेटेड। तो वहां पे होता क्या है कि बस आप लोगों ने देखा कि भाई की जो वीडियोज है वो आ गई, ठीक है, नोटिफिकेशन पैनल आई, नोटिफिकेशन आई, और बस आपने क्या क्या डायरेक्ट उस पर क्लिक किया और डायरेक्ट वो है, मतलब कि ये वाली थीम है। बस फटाफट से आपको करना है कि गए लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से डाउनलोड की, बस भाई फटाफट से अप्लाई करने लग गए। तो यार ऐसा मत किया करो, पहले कंप्लीट देखा तो करो कि हाँ भाई ने क्या बताया क्या कहा है। कि यार देखो मेरा सर मतलब यही थोड़ी कि बस आपको थीम्स को दिया, या ऐसा होता तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल दे बना लूँ, वहां पे जाके डायरेक्टली आप लोगों को लिंक शेयर करता रहूँ पर डे। तो ऐसा नहीं है, वीडियो में कुछ ना कुछ समझाता हूँ, उससे रिलेटेड आप पहले कंप्लीट सुना करो। तो बिना देर किए फटाफट से, मैं वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मैं लेके चलता हूँ आपको ट्रिक्स की तरफ और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। चलिए उसके लिए लेके चलता हूँ आपको अपने फोन की वॉइस। फर्स्ट आपको करना क्या कि आपको एक फाइल का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उस फाइल्स को जाकर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद फटाफट से उस फाइल्स को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट बताऊंगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जो क्लिक कर देना है, ठीक है, ये आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो कुछ वर्जन वगैरह बताएगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कहेगा कि आप इसे परचेस कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री बताऊंगा गाइस, ठीक है। फ्री कैसे करना देखो, और ट्राई लिमिटेड वर्जन, ठीक है, आपको लिमिटेड वर्जन, ठीक है, यहाँ पे कुछ एड्स वगैरह देखने को मिलेंगे और एड्स की कंडीशन क्या है वो भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको सारा बताऊंगा। बस एड वगैरह आपको फर्स्ट जो जब आप अप्लाई करोगे तभी देखने को मिलेंगे, इसका जो सेटअप है वो भी मैं बता दूंगा किसे आप इसे ऑफ करोगे, ठीक है। अगर इसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी रहेगी कि आप इसे ऑफ कैसे कर सकते हो, ठीक है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जो इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये देखो, तो इसको मैं ये वाला कुछ जो ऐड है ये रिटर्न हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको सेकंड टाइम फिर से ओपन कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, देखो आ गया। इसको हमें जो है पहले स्टार्ट प्रीमियम पे क्लिक करना है, फिर कट कर देना, देखो यहाँ पे कट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप कट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐड मिलते हैं, जैसे मैंने बताया ये वाला ऐड है, और देख लो यहाँ से आगे फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नॉट रनिंग है, ये एप्लीकेशन अभी जो रन नहीं करी, इसको जो रन करेंगे डबल सिम की परमिशन से हम इसको इनेबल कर देंगे, एक्सेसिबिलिटी को भी हम इनेबल करेंगे गाइस, ठीक है, पॉइंट पावर सेट, और यहाँ से जो इसको सर्च करके ढूंढ के इसको ऑन कर देंगे गाइस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी, ये सेटिंग्स बहुत जरूरी होती है गाइस, ठीक है, आपके लिए। एंड यहाँ पे बैक जाएंगे, एंड यहाँ पे देखो एक्सेसिबिलिटी अभी भी हमारी जो ऑन है वो नहीं हुई है, देखो ये है वन पावर पे मैंने क्लिक किया था, ये है देखो, ठीक है, और हमने इसको अलाउ करके ऑन कर दिया, ठीक है गाइस। अब देखो ऑन हो चुकी होगी हमारी, जहाँ तक मुझे लगता है देखो ऑन हो गई। नोटिफिकेशन बार को भी हम यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से उसको सर्च करेंगे और देखेंगे कि कहाँ है, तो देखो वन सेट ये वाली है हमारी, ठीक है, इसको इनेबल कर देंगे। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट देखनी है, और देखो मैं यहाँ पे देख ली, एंड इसके बाद में यहाँ पे कुछ लेआउट और कलर्स वगैरह अगर आप लगाना चाहते हो, सेटअप करना चाहते हो, देखो यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से बैकग्राउंड के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्लू और व्हाइट वगैरह जो भी आपको चेंज करना है। बाकी यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आप जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो भी चाहिए, ठीक है, मैं फिलहाल कोई भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा चाहते हो, टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। बाकी आइकन्स वगैरह के लिए मैं आपको हाँ कहूंगा कि आप कोई भी जो लगा सकते हो, देखो डाटा यूसेज वगैरह भी यहाँ पे डिटेल्स अगर आप चाहते हो तो इसको जो इनेबल कीजिए, ठीक है, परमिशंस दीजिए, और यहाँ से जो डाटा वगैरह की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, देखो। सो तो यहाँ पे बस इतना आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह मिलेगी, EDG ट्रिगर वगैरह आप साइड से निकालना चाहते हो तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिस कितना ये जो है साइड में आप जो ये जो निकलेगा जो है ये भी अच्छे से वर्क करेगा बाद में, ठीक है, यहाँ से हट जाएंगे तो वो आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। और आइकन्स वगैरह के तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ से आप जो कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, चलिए अब चेक कर लेते हैं कि अच्छे से वर्क करता है ना। एक्स्ट्रा के लिए आपको यहाँ से देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, कुछ भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है फाइनली हमने जो तीन परमिशंस जो दी थी, ये जो मैंने दी थी अभी,
ठीक है, ये सबसे ज्यादा मेन जरूरी होती है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होती है, इस चीज को आपको खास करके ध्यान रखना रहता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से इसको इनेबल कर दिया गाइस, ठीक है, और देखते हैं कि ये जो रन करती है यानी सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो हम चेक करते हैं, देखो ये काफी अच्छे से रन कर रही है और पूरे तरीके से जो हमारा सिस्टम है वो चेंज हो चुका है और काफी अच्छा जो लुक है आपके फोन को मिल रहा है, ठीक है। चलो अब जो है हम फटाफट से करेंगे क्या कि इसको रिसेंट एप्लीकेशन से हटाएंगे, यही है ना गाइस, हमने इसको हटा दिया, ठीक है, और देखते हैं कि ये रन कर रही है या नहीं। देखो कहीं अभी भी रन कर रही है, सेटिंग्स से भी हटाएंगे हम, ठीक है, और सारा कुछ हट चुका है। अब फिर से देखेंगे ये रन कर रही है या नहीं, तो देखो गाइस यहाँ पे अच्छे से रन कर रही है और काफी अच्छे से भी काम कर रही है। तो इस तरीके से अगर आप सेटअप करोगे कभी भी आपको जो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, सारा सेटअप आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज आप ट्राई करो, हमेशा जो है आपका जो काम रहेगा वो अच्छे से होगा, कभी भी ये ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। तो आई होप कि आप सभी को जो वीडियो जो हमारी पसंद है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।